पाकिस्तान आतंकवाद छोड़कर बातचीत की मेज पर आने को तैयार हो। और ये बात मैं आज नहीं कह रही, मैंने संयुक्त राष्ट्र संघ में अपना भाषण देते हुए ये बात कही थी। जब नवाज साहब ने चार फॉर्मूले रखे थे तो मैंने कहा था चार फार्मूलाज की ज़रूरत नहीं है, आप एक फार्मूला रखिए, आतंकवाद छोड़िए और बातचीत करिए। केवियट कभी नहीं हटा, टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। क्यों? जब सीमा पर जनाजे उठ रहे हों तो बातचीत की आवाज़ अच्छी नहीं लगती। बॉर्डर हॉट हो, हर रोज़ सीमा पर गोलाबारी हो, सीमा से घुसपैठ करके आतंकवादी भेजे जाएं, पठानकोट एयरबेस पर हमला हो, इन तमाम बातों के चलते बातचीत नहीं हो सकती। जो मैकेनिज्म्स बने हुए हैं उनकी बातचीत होती रहती है। कोस्ट गार्ड की भी बातचीत होती है, बीएसएफ और पाक रेंजर्स की भी बातचीत होती है, डीजीएमओस की बात भी होती है, यहाँ तक कि एनएसए की बातचीत भी होती है। क्योंकि बहुत सोच कर हमने एनएसए के डायलॉग मैकेनिज्म को कॉम्प्रिहेंसिव बायलैटरल डायलॉग से अलग कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि हम ये कहते हैं टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, बट टॉक्स ऑन टेरर शुड बी हेल्ड। तो एनएसए के मैकेनिज्म में चूंकि टॉक्स ऑन टेरर होती है, इसलिए वो बातचीत भी चलती